हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 17 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट आपका, जैसे पिछले ट्यूटोरियल में आपने पढ़ा था इफ एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, तो स्विच स्टेटमेंट भी आपका वैसा ही है, सेम आपका एफ एल्स एफ स्टेटमेंट जैसा ही आपका स्विच स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मैं, ये मेरा स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर आपको स्विच लिखना पड़ेगा और इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर में आपको एक्सप्रेशन रहेगा। इस एक्सप्रेशन के जगह पे आप वैल्यूज यूज कर सकते हो और जो यहाँ पर लिखोगे वो ये कंडीशन को चेक करेगा, क्लियर है। और यहाँ पर आपको, जब आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो केस लिखना कंपलसरी है, आपको ये केस लिखना ही पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंडीशन होता है, यहाँ पर हम कंडीशन यूज करते हैं। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू है तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट कंडीशन के पास जाएगा और वैसे ही यहाँ फिर चेक करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन के पास जाएगा, फिर यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज लास्ट में डिफॉल्ट प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका डिफॉल्ट, जैसे आपने पिछले ट्यूटोरियल में एफ एल्स एफ में एल्स देखा था, तो एल्स में क्या होता था वहां पे कि आपका जो स्टेटमेंट फॉल्स होता है, जो कंडीशन आपका फॉल्स होता था वो आपका एल्स में प्रिंट हो जाता था। तो वैसे ही स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा कि मान लो कि कंडीशन वन आपका फॉल्स हो गया तो कंडीशन टू के पास आएगा, अगर कंडीशन टू फॉल्स हो गया कंडीशन थ्री के पास आएगा, अगर कंडीशन थ्री फॉल्स हो गया तो बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट्स। ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपका एल्स स्टेटमेंट जैसा ही है, क्लियर है। तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। मान लो कि यहाँ पर मैं अपना जो वीकेंड है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे फ्राइडे, वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कोड लूंगा। पहले मैंने डे ले लिया, डे को मैं वन से साइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर स्विच लिखूंगा, इसके अंदर में मैं इस डे को पास करता हूँ। अब इसको ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस के अंदर में मैं, पहले आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में क्या रखनी है, पहले आपको केस लिखना पड़ेगा, केस के बाद स्पेस दोगे और यहाँ पर आप कंडीशन लिखोगे। तो अभी फिलहाल मैं सिंपल सा वन करता हूँ और आपको ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर में मैं मंडे प्रिंट कर दिया, ठीक है, और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। अब ये पॉइंट्स मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और 7 टाइम्स तक मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका वैल्यू, ये जो आपका कंडीशन है, चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, यहाँ मैं 3 लिखूंगा, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर ट्यूजडे कर देते हैं हम लोग, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे यहाँ कर देते हैं, ये सैटरडे हो जाएगा और इसको मैं संडे कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और मैं ले लेता हूँ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डिफॉल्ट में मैं लिखता हूँ कि अगर आपका वैलिड डेट नहीं है तो ये आपका स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। इसके जगह पर मैं लिख देता हूँ इंसर्ट वैलिड डे, क्लियर है, इंसर्ट वैलिड डे में यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए।
अब देखो यहाँ पे ये सिंपल मेरा, अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अभी मैंने यहाँ पे वन लिखा, वन लिखा, तो ये कंडीशन चेक करेगा। ये कंडीशन देखो, एक केस के बाद ये पॉइंट आपका कंडीशन है, ये तो यहाँ पर वन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर में मैंने मंडे लिखा, इसलिए यहाँ पर आपका आउटपुट मंडे आ रहा है, क्लियर है। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ या 4 लिखता हूँ, तो 4 में ये कंडीशन चेक करेगा, देखो पहले इसके पास आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा, इसके पास आएगा, सेकंड कंडीशन के पास जाएगा। तो यहाँ पर 4 है और ये यहाँ पर 1 है, तो ये तो फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर आपका सेकंड कंडीशन के पास आएगा। तो ये भी कंडीशन आपका फॉल्स है, तो फिर आपका थर्ड के पास आएगा। तो ये भी कंडीशन आपका फॉल्स है, तो फिर इसके पास आएगा। अब देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया थर्सडे। क्लियर है ये पॉइंट सबको। अब मैं एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना चाहूंगा स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ये आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। अब एक और मैं यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्रेक का यूज क्या है। मान लो कि अगर आप ब्रेक यहाँ यूज नहीं करते हो तो क्या होता है कि अगर आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ये तो मंडे प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप ब्रेक यहाँ यूज नहीं करते हो तो मंडे तो प्रिंट होगा ही, आपका नेक्स्ट कंडीशन का भी पार्ट प्रिंट होते जाएगा। जैसे देखो, अगर मान लो कि यहाँ से मैंने ब्रेक हटा दिया, यहाँ से भी मैंने ब्रेक हटा दिया, अब यहाँ पर मान लो कि मैंने वन लिखा, तो वन तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो मंडे तो प्रिंट होगा ही, लेकिन आपने यहाँ पर कोई ब्रेक यूज नहीं किया, इसलिए आपका ट्यूजडे वेडनेसडे दोनों प्रिंट हो जाएगा। अगर जैसे मैं यहाँ पर ब्रेक यूज करता हूँ तो आगे का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, क्लियर है। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने वन किया तो सिर्फ मंडे आपका आ गया, आगे का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक का मतलब हो गया कि आपका इस लाइन के आगे आपका नहीं जाएगा, क्लियर है। अब इसके लिए एक और मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूं कि एज नाम का कोई मैं ये ले लिया, ठीक है, सपोज एज मैंने ले लिया 26 लिया एज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर में मैं केस लिखता हूँ, और केस के अंदर में मैंने बताया था आप यहाँ पर लॉजिकल कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर आप एक से ज्यादा कंडीशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन का लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने एज लिखा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैं एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ, ये आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, एज लेस देन इक्वल टू मैंने 30 कर दिया। अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिख दिया यहाँ पे वैलिड एज, क्लियर है। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, एक और मैं ले लिख देता हूँ यहाँ पे, एक और केस में लेता हूँ केस, इसके अंदर में मैंने लिख दिया एज ग्रेटर देन इक्वल टू 29 करता हूँ या फिर 32 कर देते हैं, एंड लिया मैंने एज लेस देन इक्वल टू 35 कर देता हूँ। इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, इनवैलिड इनवैलिड एज, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आपको ट्रू लिखना पड़ेगा, ये जो डे आपने लिखा है यहाँ पर ट्रू लिखो। अब देखो जैसे ही मैंने ट्रू लिखा, एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एज को 26 दिया, तो ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर देखो कंडीशन ये 26 ग्रेटर देन 25, ये कंडीशन ट्रू है।
और इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एज लेस देन इक्वल टू 30, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो एंड का यूज क्या होता है, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि लॉजिकल एंड का यूज क्या होता है कि आप जब दो कंडीशन यूज कर रहे हो तो ये दोनों कंडीशन आपका ट्रू होनी चाहिए तभी ये एग्जीक्यूट होता है। तो इस तो आपका ये भी कंडीशन यहाँ पर मेरा ये कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, इसलिए मेरा वैलिड एज प्रिंट हो चुका है। अगर ये फॉल्स होता तो मेरा इसके पास जाता, क्लियर है। जैसे देखो मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैं 36 कर देता हूँ, अगर 36 किया मैंने तो यहाँ पर एज इसका क्या है, देखो एज ये ट्रू हो रहा है, एज ट्रू हो रहा है लेकिन ये एज फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स है इसलिए आपका ये प्रिंट हो चुका है, क्लियर है। अगर मान के चलो कि यहाँ पर मैं 40 पास करता हूँ तो देखो इनवैलिड इंसर्ट वैलिड एज बोल रहा है, मतलब कि ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, मतलब ये फॉल्स है तो इसके पास आएगा, ये फॉल्स है तो लास्ट में आपका डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है इंसर्ट वैलिड एज। सो ये था आपका स्विच स्टेटमेंट, आई होप आप लोग को स्विच स्टेटमेंट समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।